मंजिल पहुंच चुके हैं। आगे आप लोग दिखाते हैं कि आगे कैसे कैसे है। चलिए देखते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग वीडियो को चालू करते हैं। यहाँ पर एक सुंदर सा मंदिर बनाया गया है जो पोखरा के बीचों बीच है। बड़ा ही सुंदर सा नज़ारा है। जरा आप थोड़ा, अब हम धीरे धीरे पहाड़ की ओर जा रहे हैं। इधर जो छोटे छोटे दुकान है, यहाँ स्टूडियो है और आगे आगे बहुत सारे दुकान हैं। क्या है ये? क्या है ये? दिन में चलता है, रात में जलता है, दस्त लगा। पकड़े आते समय लेंगे। अब हम आपको सीधे ऊपर का जैन मंदिर की ओर ले चलते हैं। और ये दूरियां काफ़ी लंबी है, यानी कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास हम लोग को अभी सीढ़ी चढ़ के जाना है। यहाँ देख सकते हैं आप, उस सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते आप पीछे का नज़ारा देखिए, कितना ही सुंदर। एक और चढ़ाई इसके बाद तब जाके मंजिल पहुंचेगा। देखो इधर, इधर देखो, अरे कर दो। कहाँ चढ़ रहे बाबू? हम लोग मंदार मोसम पर्वत बांका बिहार। सच में बोले सीढ़ी चढ़ चढ़ते हम लोग बहुत थक चुके हैं। हम लोग अब थोड़ा सा आराम यहाँ पर कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। कैसे दे रहे हैं? 20 का एक। कौन सी? कौन सा लीजिएगा? ये सब 20 रुपये। हाँ देखिए, पहाड़ के बीच यहाँ पोखरा है, ठीक है ना। आपको हम दिखाते हैं, इधर पहाड़ है, चारों तरफ उधर पहाड़ है, वहाँ लिफ्ट है, यहाँ पर पोखरा है। पर एक बहुत ही सुंदर सा चीज़ है जिसमें पत्थर को काट करके सीढ़ी बनाया गया है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पर बड़ा ही सुंदर है। बेल दिखाते हैं कि यहाँ पर जो गुफा है, यहाँ पर कुछ साधु महात्मा लोग रह रहे हैं। बाबा आप यहाँ पर कितना साल से रह रहे हैं? कौन आप? हम तो अभी 6 महीना। जी आइएगा। नीचे बमनार हिल भोसी में घर है। अच्छा अच्छा। मधुसूदन मंदिर के पास पन्ना टोली है, वहाँ मेरा घर है। अच्छा। विवाद हो गया था घर में, जिस कारण मैं भाग गया था। कितना साल पहले भाग गए थे बाबा? आज से 20 साल पहले। आपने ये गृह त्याग दिए क्या? गृह त्याग दिए तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, गिरी नहीं त्यागे थे। सौतेला भाई का झंझट था। अच्छा अच्छा। वो पूरा हड़पने के लिए चाहता था। और ऐसा है कि मेरा एक बीच वाला भाई था, उसको उसने मार दिया। उस कारण से हम लोग भाग गए, घर छोड़ दिए। मेरा घर कोठी है पूरा। अच्छा अच्छा। है लेकिन ताला लगा हुआ है। अब आए हैं 20 साल के बाद। अब गार्जियन भी मेरा, मम्मी जिंदा है, पापा तो जिंदा नहीं है। लेकिन मेरी मम्मी सर्विस मैन है। लेकिन मेरी मम्मी अब जो है पेंशन पाती है, ठीक है। वो भागलपुर में रहती है, लेकिन मेरे को क्या लेना है उनसे? अब उन्होंने लाया है, अब कुछ फैसला करेगा। और कुछ विवाद था केस मुकदमे का। उसमें मैं फंस गया था, क्लियर हो गए सब। अब यहाँ के भी क्लियर हो जाएंगे। जिस दिन क्लियर हो जाएंगे मैं घर चला जाऊँगा अपना। अच्छा अच्छा। यहाँ तो अभी मतलब परमानेंट नहीं है? नहीं नहीं नहीं, 6 महीने। ये तो कह रहे ना, कह रहे मतलब कि दुख झेल। अच्छा, यहाँ पर रहते हैं तो आपको डर नहीं लगता रात को? का डर किसलिए? मरना तो है ही, एक दिन मरना है हर आदमी को। उंगली कटता है उतना ही दर्द होता है जितना गला कटता है। और हम लोगों को डर भाई तो निकल ही जाता है ना,
इतना साल घर छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, भाई बहन छोड़ दिया, पूरा परिवार छोड़ करके जो आनंद लिया, जैसे भी दुख में सुख में, बस आपके सामने बहुत अच्छा। अब आप खाना वाना कहाँ से लाते हैं? खाना वाना कोई दे देता है 10-20, नहीं देता है तो मेहनत कर लेता हूँ। मेहनत करने में कोई शर्म की बात तो नहीं है। जी जी, जी। तो बस मेहनत कर लेता हूँ और उसी से अपना यापन करता हूँ, कर लेता हूँ। देखिए वो मेरे पास जुराब है, ये सब बिक्री करने के लिए। अच्छा अच्छा, जुराब टोपी ये सब मैं बिक्री करता हूँ। अच्छा अच्छा, कहीं दुकान लगा लेता हूँ, आज नहीं दुकान लगाया हूँ, नीचे में लगाता हूँ। अच्छा, दो चार पांच दिन से दुकान लगा रहा हूँ, कभी ऊपर में भी लगा सकते हैं, कुछ भी करता हूँ। आप मेहनत की कमाई खाता हूँ। क्या खाना बनाए हैं? दाल चावल आलू का सब्जी, बस और क्या। बड़ा बढ़िया, क्यों पाना है क्या? नहीं नहीं, ठीक है ठीक। अच्छा, दाल चावल सब्जी बस जी, आइएगा।